जब सड़क पर किसी कुत्ते का एक्सीडेंट होता है तो ऐसा लगता है कि गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज रहा होगा, जिसके कारण आकर इसे मार दिया है और इसका एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, ये सोचना बिल्कुल गलत है। बल्कि रोड पर कुत्ता गाड़ी की स्पीड को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में भागना है और सही डायरेक्शन का चुनाव नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हम अपने जीवन में सही डायरेक्शन को न चुने, उसके अकॉर्डिंग न भागे, तो समझिए दोस्तों, जिंदगी को बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जिंदगी को आबाद करना चाहते हैं तो सही डायरेक्शन चुनिए और उस पर जबरदस्त मेहनत करिए, एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ब्रिस्टल बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्क एंड टाइम का एक क्लास दे रखे हैं, उम्मीद है कि उस वीडियो को आप देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए, तभी क्लास आपको समझ में आएगा। आज जो लोग देख कर आए हैं, सोने पर सुहागा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग में जाकर चिपक जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कहेगा ना वैसे इसका इलाज करेंगे एकदम बढ़िया से। कहता है कि ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। ए ने अकेले कार्य को शुरू किया तथा 12 दिनों के बाद छोड़कर चला गया, शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इससे खतरनाक हम है और हमसे ज्यादा खतरनाक आप लोग हैं कि इस वीडियो को देख रहे हैं बनाने के लिए। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले भाई मेरे बताओ, जो ए है किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है तथा बी इसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, हमें तो इसको बनानी है। तो एलसीएम की विधि से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 15 का जो एलसीएम होगा ये 60 हो जाएगा। मेरे भाई एक कुल कार्य होता है, कल ही हमने आपको बता रखे थे। अब एक बात बताइए, ए 20 दिनों में 60 काम करता है, ए 20 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और बी 15 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। यहां तक बात क्लियर है। आगे देखें, ए ने इसके बारे में बोला जा रहा है, ए ने अकेले कार्य को शुरू किया तथा 12 दिनों के बाद छोड़कर चला गया। अब बताइए, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 12 दिनों में कितना काम करेगा, 36 काम करेगा। मतलब यहां पे देखिए, 12 दिनों में कितना काम कर देगा, 36 काम कर देगा। और टोटल कितना काम है, 60। आ ए कितना काम कर चला गया, 36। तो यहां पे जो शेष कार्य होगा, शेष कार्य होगा कितना होगा मेरे भाई, तो 60 में हम 36 निकाल देंगे तो कितना होगा, 24। शेष कार्य कितना हो गया, 24। तो कहता है कि शेष कार्य, मतलब ये जो 24 वर्क है, शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। अब एक बात बताइए, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और उसे 24 काम करना है तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 24 में हम 4 से भाग दे देंगे निकल जाएगा। तो क्या कर देंगे दोस्तों, 24/4, ये 6 बार में चला जाएगा तो बी इस काम को कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में कर देगा, बन गया। मुझे लगता है कि एकदम आपके खोपड़ी में जाकर, खोपड़ी के एकदम मध्य बिंदु में जाकर सेट कर गया होगा कि इसको किस तरीके से हमने बताए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, आइए इससे मिलते हैं, एकदम बढ़िया से मिलेंगे, दोस्ती बढ़िया से करेंगे। चलिए इससे दोस्ती करनी है, एकदम बढ़िया से करेंगे, इतना गंभीर दोस्ती करेंगे ना कि लंबे टाइम तक याद रहेगा कि हम लोग के बीच में दोस्ती कैसा हुआ था। आइए बनाते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर कार्य करना शुरू किया तथा 7 दिन बाद
ए कार्य को छोड़कर चला गया, शेष कार्य बी कितना दिन में करेगा, इससे थोड़ा हटकर है, थोड़ा सा हटकर है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा हटकर है, तो हम इसको एकदम डटकर बनाएंगे। तो यहां पे देखिए, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है तथा बी किसी कार्य को अकेले 30 दिन में करता है। इसके आगे आपको पता है कि हम इसका लेते हैं LCM। तो मेरे भाई 20 और 30 का LCM कितना होगा, 60। अच्छा बताइए, ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा, और बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब एक बात बताइए, आगे क्या कहता है, दोनों मिलकर, मतलब ए और बी मिलकर, तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, अब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलेगा तो कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा। तो कहता है दोनों मिलकर कार्य करना शुरू किया, क्या बात है, तथा 7 दिन के बाद, 7 दिन काम किया एक साथ, तो दोस्तों कितना होगा, 7 गुने कितना होगा, 5, मतलब 35 काम हो जाएगा। दोनों मिलकर कितना काम कर देगा, 35 कर देगा। आगे कहता है 7 दिन बाद एक कार्य को छोड़कर चला गया तो शेष कार्य बी कितना दिन में करेगा। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, 60, 35 कार्य हो गया तो शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य कितना होगा, 25 हो जाएगा। अरे भैया 25 से ना होगा, तो कहता है कि शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो बताइए कार्य कितना हो गया, 25 बाकी है, आ एक दिन बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है, तो 25 कार्य करने में कितना टाइम लेगा, तो 25/2, तो यहां पे कितना होगा, 12.1/2 डेज हो जाएगा, इतना दिन में कर देगा। बने गया, क्या है, कुछ है, उड़ गया। आइए अब मिलते हैं 3 नंबर से, 2 क्वेश्चन से तो मिलिए, क्योंकि सर 3 नंबर क्वेश्चन एकदम खतरनाक मूड में चला है, मतलब ये मानने वाला नहीं है, एक गरजेगा और बरसेगा, आइए इसका मजा हम लोग लेंगे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि ए अकेले किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तथा सी अकेले किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, तीनों मिलकर कार्य शुरू किया, 2 दिन के बाद बी कार्य को छोड़कर चला गया, तथा फिर एक दिन के बाद ए भी कार्य को छोड़कर चला गया, तो बताएं शेष कार्य सी कितने दिनों में करेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बनाने में पसीना निकलने लगेगा, लेकिन दोस्तों हम आपका पसीना निकलने नहीं देंगे, एकदम शॉर्ट अप्रोच बताएंगे, मजा आ जाएगा, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बनाएंगे। देखिए ए अकेले किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, और सी किसी काम को अकेले 16 दिनों में समाप्त करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, एलसीएम लेंगे तीनों संख्या का, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा जी, बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, 4 से ले चलेंगे तो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर 2 से ले ले 1, 3, 2, ये कितना होगा 8, 18 का 24 और 24 दुना के 48 हो जाएगा, ए हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब बताइए ए 8 दिन में 48 कार्य करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, और बी 12 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4, और सी 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। पहले बताइए यहां तक समझ में आया, आगे पढ़ते हैं। देखिए कहता है कि तीनों मिलकर, अब एक बात बताइए, ए तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो जब ये तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6, 4, 10 आ 10 आ 3, 13, मतलब एक दिन में 13 काम करेगा। तो आगे कहता है यहां पे कि तीनों मिलकर काम शुरू किया आ 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन किया साथ में, तो कितना होगा, 13 × 2 तो 13 × 26, मतलब अभी 26 को काम हो गया 2 दिन में, 26 को काम हो गया, कितना में, 48 में 26 को काम हो गया। आगे कहता है 2 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला गया, समझ जाइए इसकी जो वाइफ है बोली कि भाई आपको काम करने नहीं जाना है। अब यहां पे देखिए
बी कार जो छोड़कर चला गया तथा फिर एक दिन के बाद, अब बताइए ए चला गया तो एक दिन में कौन कौन काम किया होगा, ए दोनों काम किया होगा, ए और सी मिलकर काम किया होगा, मतलब एक दिन में 9 काम हुआ होगा, 9 × 1 चूंकि एक ही दिन काम हुआ है तो ये 9 काम हुआ होगा। अब यहां पे देखिए अभी टोटल कितना काम हो गया, तो 9 × 6 = 15 हार्सिल 1 × 2 = 1 कितना होगा 3, अभी 35 काम हो चुका है, कितना काम है 48 काम में 35 काम फिनिश है। आगे कहता है फिर एक दिन के बाद ए भी, एक दिन के बाद ए भी कार्य को छोड़कर चला गया। अब ए भी मान लीजिए इसकी पत्नी बुला ली तो इसकी भी पत्नी इसको बुला दी, मतलब ए भी काम को छोड़कर चला गया, तो बताइए कि शेष कार्य को सी कितने दिनों में करेगा। तो यहां पे देखिए टोटल काम कितना था 48, अब यहां पे कितना काम हो चुका है 35, तो शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य कितना होगा, तो भाई हमें 48 में 35 घटा लेंगे तो यहां पे 13 कार्य हमारे पास अभी है, 13 कार्य करना है। तो कहता है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा, भाई 13 काम करना है, 13 काम करना है, आज सी एक दिन में 3 काम कर दे रहा है, तो बताइए कितने दिनों में फिनिश कर देगा। तो हमें क्या करना होगा, 13 में 3 से भाग दे देंगे, यही डेज में क्या होगा, सी इस काम को पूरी तरीके से फिनिश कर देगा। मुझे लगता है कि भाई आपके पूरी आत्मा तक एक वचन जाकर फील उठाता होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए, इसको यहां से हटाते हैं, देखते रहिए। आइए 4 नंबर से मिलते हैं जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 10 और 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि यदि दोनों मिलकर कार्य समाप्त किए तो बताइए कि मजदूरी का अनुपात क्या होगा। आइए दोस्तों यहां पे एक कंसेप्ट आपको बताना है, देखिए मजदूरी का अनुपात निकालना हो, मजदूरी का अनुपात निकालना हो तो एक कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिए, अगर ए बी दिया है या सी दिया है, समय पर समान समय पर काम समाप्त करता है, मतलब समय समान हो, समय समान हो, तो देखिए जो मजदूरी का अनुपात होगा, मजदूरी का जो अनुपात होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर हो जाएगा, कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर हो जाएगा। और देखिए समय समान न हो, समय समान न हो तो यहां पे जो मजदूरी का अनुपात होगा, मजदूरी का जो अनुपात होगा वो केवल कार्य का अनुपात के बराबर होगा, कार्य के अनुपात के बराबर होगा। देखिए दोनों में अंतर है, देखिए कार्य क्षमता का अनुपात का अर्थ क्या हुआ कि ए और बी की एक दिन का कितना, एक दिन में कितना काम किया है, बी एक दिन में कितना काम किया उसका अनुपात। और यहां पे देखिए कार्य के अनुपात का अर्थ हुआ कि ए एक दिन में कितना काम कर लिया है, बी एक दिन में कितना काम कर लिया है, इसके बारे में पूछा है। तो आपसे पूछा है कितना काम का पूछेगा, क्वेश्चन से आपको समझा देंगे। एक बात दिमाग में रख लीजिए कि मजदूरी का अनुपात कहेगा समय समान होगा तो मजदूरी का जो अनुपात होगा कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर होगा, अगर समय समान नहीं हो तो जो मजदूरी का अनुपात होगा यानी कार्य के अनुपात के बराबर होगा, केवल कार्य के अनुपात के बराबर होगा। देखिए तो आइए इसी पे क्वेश्चन दिया है, बनाते हैं, देखते रहिए। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। देखिए मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 10 और 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि दोनों मिलकर कार्य समाप्त किए तो बताइए मजदूरी का अनुपात क्या होगा। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जब दोनों का एलसीएम निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। अब बताइए ए 10 दिन में 20 कार्य करता है तो एक दिन में 2 काम कर देगा, अभी 20 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 करेगा। आगे यहां पे एक बात को नोटिस करिएगा, यदि दोनों मिलकर कार्य समाप्त किए मतलब एक साथ कार्य समाप्त करते हैं मतलब समय समान है तो जो मजदूरी का अनुपात आपसे पूछा है, मजदूरी का जो अनुपात आपसे पूछ रखा है वो क्या होगा, जानते हैं क्या होगा,
कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर होगा, मतलब 2:1 होगा। बन गया, कुछ है कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन से मिलना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी और सी अकेले किसी कार्य को 5, 10 और 20 दिन में पूरा करता है, सबने मिलकर कार्य को समाप्त किया, मतलब एक साथ कार्य को समाप्त किया, तथा कुल मजदूरी 3,000 रुपया है, तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में। सी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। पहले इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो इस सब का एलसीएम ले लेंगे, तो मेरे भाई एलसीएम कितना होगा, 20। अब बताइए ए 5 काम, ए 5 दिन में 20 काम करता है तो 1 दिन में 4 काम कर देगा, बी 10 दिन में 20 काम करता है तो 1 दिन में 2 काम कर देगा, और सी 20 दिन में 20 काम कर रहा है तो 1 दिन में 1 काम कर देगा। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब एक बात बताइए, जो मजदूरी का अनुपात है, जो मजदूरी का अनुपात है, समझिएगा मजदूरी का अनुपात क्या होगा, कार्य क्षमता का अनुपात, समय यहाँ पे समान है तो क्या हो जाएगा, 4:2:1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पर दिया कुल मजदूरी 3,000 है, मतलब ये पूरा किसके बराबर है, 3,000 के बराबर है, तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हई तो ए है, हई बी है, सी है, तो 2 आगुने कितना में, 3,000 में, अब बटा सबको जोड़ देंगे तो 2 × 1 = 3 और 4 × 2 = 6, 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर 6,000 अब बटा 7। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, भाग दे देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6,000 में हम 7 से भाग देंगे, जो आंसर आएगा उतना ही बी का मतलब पैसा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है, बनाते हैं। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ये अकेले अकेले कर है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम 30, ए 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो 1 दिन में 3 काम, बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो 1 दिन में 2 काम करेगा। आगे देखिए क्या कहता है, यदि ए ने 4 दिनों तक काम किया, अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12। और जब ए 12 टोटल काम 30 है, जब ए 12 काम करता है तो बी तो कन्फर्म है कि 18 काम करेगा। और यहाँ पे देखिएगा, यदि कुल शेष कार्य को बी अकेले समाप्त किया, ठीक है 18 काम होगा, यदि कुल मजदूरी चार हज़ार रुपया है तो ए का हिस्सा बताइए। मेरे भाई अगर इसको शॉर्टकट में जल्दी करें तो 2:3 होगा, 600 से भाग देंगे, 2:3, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, 4,000 रुपया के बराबर है। तो आपसे ए का हिस्सा बोला है, तो हई ए हई बी, तो ए का हिस्सा मतलब 2 गुने कितना, 4,000, अब बटा 2×3 कितना होगा, 5। तो यहाँ पे ए 8 बार में 00 तो कितना हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1600 रुपया। मुझे लगता है दोस्तों ये क्लास आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा।